लाइव डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ में एक मार्किंग टूल हैगा एंड मैं इसे मार्किंग कर रहा हूँ। एंड ये क्या हैगा मैं भी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड बहुत ही सिंपल ट्रिक है, देखिए मैं इसे मार्किंग कर लेता हूँ जहाँ से मेरे को इस मिरर को कट करना है, इस ग्लास को मेरे को जहाँ से कट करना है मैं उस पर एक मार्किंग कर लेता हूँ। फिर नॉर्मल इसके नीचे एक स्पोक रख के इस पर हल्का सा प्रेस कर दूंगा मैं। तो गाइस देख सकते हो मैंने आपकी आंखों के आगे मैंने इस मिरर को ग्लास को इसको काट के दिखा दिया। एंड गाइस वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल एंग्रोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट्स एवरीथिंग एंड वाचिंग एंग्रोटेक। सो गाइस ये मेरे पास दो प्लग हैंगे जो कि ये दो मेरे पास पार्कर रहेंगे, दोनों बॉश कंपनी के हैंगे, R6 R6। ठीक है तो भाई इसका ऐसे तो नॉर्मल स्कूटर वगैरह में यूज़ होते हैं, बाइक वगैरह स्कूटर वगैरह, लेकिन मैंने इनका एक यूज़ देखा है। इनका यूज़ क्या है कि हम जो इनके जो ऊपर जो वाइट वाला पार्ट है ये कुछ अलग कुछ मटेरियल से बनता है, कुछ सिरामिक वगैरह से, जिससे कि हम इससे कांच को कुछ भी किसी भी टाइप का जो मिरर एलिमेंट होता है जैसे कि हम इसको इससे काट सकते हैं। तो भाई क्या ये रियली वर्क करेगा, आज हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। आज हमारे पास एक कांच है एक ये वाला, एंड मेरे पास और भी ऐसे कुछ कांच है जैसे कि मैं ये कुछ ये मेरे पास कुछ टूटे पीस में कांच के लेकर आया। तो आज हम इनको ऐसे काट के देखेंगे कि क्या ये रियली में कट होता है कि नहीं। तो लेट्स सी। तो इसका मैं ऊपर का ये वाइट वाला पोर्शन एंड इसको स्ट्राइक करने पे देखिए डिफरेंट टाइप के साउंड आपको प्रोड्यूस हो रही है, लाइक जैसे हम मार्बल्स को टच करते हैं या फिर मार्बल पे स्ट्राइक करते हैं तो ऐसे साउंड में भी प्रोड्यूस होती है उस टाइम पे भी। साउंड बहुत गुड लग रही है, ये साउंड गुड। चलते हैं इसके ऊपर का पोर्शन हटाते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। ओके तो देखिए मैंने इसके ऊपर का ये वाला पोर्शन को हटा लिया है एंड इसके कुछ हमारे पास कुछ ऐसे पार्ट्स निकलेंगे एंड आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा पार्ट ये है तो हम इसी के चीज से ही सबसे ज्यादा शार्प हमको ये वाला दिख रहा है। एंड ये जो भी एक शार्प कॉर्नर होगा आप उसे एक बार कट करके देख लीजिए एंड इसको बड़ी सेफली करना है, ये आपका हाथ भी काट सकता है। से एक मार्क तो दे दिया है, बस लेट्स सी ये काटेगा कि नहीं। इसको भी यहाँ से प्रेस कर देना है। ओ तो भाई सी कट गया। यस ये ट्रिक रियली वर्क कर रही है। हम एक चीज और काट के देखते हैं, एक और बार एक और शार्प ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यस दिस इज वेरी शार्प एज यू कैन सी गाइस, देखिए कितना ज्यादा शार्प है ये, मतलब मेरी उंगली में चुभ सकता है। साइकिल स्पोक है जो साइकिल की जो तिल्ली होती है कि एंड उसके रिम वगैरह में लगती है। सो गाइस हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो तो हमारा एकदम प्रॉपर से हमारा प्रूफ हो चुका है कि यस इट्स रियली वर्क्ड। तो बस हमको ये ट्राई करना था क्या ये कैसे कैसे और भी तरीके से काट सकता है एंड कुछ इसकी कुछ गड़बड़ी होती है या फिर नहीं। इट्स कटिंग गुड। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस करी कि जब भी मैं मार्किंग करने के बाद इसमें अगर मिरर पे अपने जो प्रेशर लगा रहा हूँ अगर वो कहीं से भी थोड़ा बहुत इधर उधर प्रेशर मेरा हो जा रहा है, प्रॉपर उस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यानी कि मैं अपने दोनों हाथ से उस पर ढंग से दबाव नहीं डाल रहा हूँ तो वो मेरा गलत टूट रहा है। देखिए जैसे कि मेरा गलत टूट गया क्योंकि मैंने कॉर्नर पर प्रेशर दिया था। तो इस ऐसे आप नहीं करें, अगर आपको वेट देना है हाथों से वेट देना तो फिर आपको एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट वेट देना पड़ेगा। नीचे की साइड में जो मेरी जो लकड़ी का छोटा सा एक किल्ला जैसा है उसके नीचे में कुछ भी ऐसे कुछ पार्टिकल नहीं होना चाहिए जो कि उसके वेट को थोड़ा सा मैनेज करते। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, एकदम अच्छे से उस पर हाथों से डिस्ट्रीब्यूट वेट करना वरना फिर आपका एक ग्लास ढंग से नहीं कटेगा। वैसे मार्किंग प्रॉपर देंगे तो एकदम बेस्ट कटेगा। सो होप यू एंजॉय गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ना गाइस मुझे अब लग क्या रहा है था कि देखिए मैं जो साइकिल की तिल्ली यूज़ कर रहा हूँ वो मार्किंग का कोई झंझट नहीं है, बस तिल्ली की वजह से टूट जा रहा है मेरे को ऐसा लग रहा था। क्योंकि मैं मार्किंग का तो कुछ हो ही नहीं रहा था, जो नीचे जो तिल्ली है कि उसका दोनों साइड वेट है जो बीच में थोड़ा सा तिल्ली की वजह से उठा हुआ है साइकिल की तिल्ली, तो वो उसकी वजह से टूट जा रहा है ऐसा मेरे अंदर से मेरी आत्मा झिझोड़ के मेरे को बता रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार बिना मार्किंग के इसको ट्राई करके देखता हूँ क्या ऐसे ही स्पोक लगाने पर वो टूट जाएगा एकदम प्रॉपर से कि नहीं। तो मैंने एक बार वो भी ट्राई करा, अब देखिए रिजल्ट मेरा आता क्या है, चौंका देगा आपको रिजल्ट। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लग रहा है मेरे हाथों का। वंस मोर हो गया, इस बिना मार्किंग के देखिए ऐसे तीन टुकड़ों में हो जा रहा है लाइक दिस। ये कारण आखिरी और ट्राई कर लेते हैं।
इसमें प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। एंड ये देखिए हमारे तीन टुकड़े में हो जा रहे हैं, जितने ही मैं तोड़ रहा हूँ सारे हमारे तीन टुकड़े में ही हो रहा है। नॉर्मल हम मिरर वाला भी तोड़ के देख लेते हैं। ये तो गाइस यार बहुत ही ज्यादा कट जाएगा। नॉर्मल हम इसको तोड़ेंगे, बड़ा प्रेशर है यार, ये वाला टूट ही नहीं रहा। सारे हमारे तीन टुकड़े में जा रहे हैं, हमारे ये फायदा कर रहा है। सही है, क्योंकि देखो हमारा जो मतलब हमने जो सोचा था एंड जो करा वो हमारा एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट गया है। हमने सोचा था कि इससे हमारा जो स्पार्कल हो तो उससे हमारा कटता है कि नहीं, यस उससे कट गया। एंड फिर मेरे मन में एक डाउट आया था कि पता नहीं स्पार्कल की जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो वर्किंग हो भी रही है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि स्पोक्स की वजह से ये पूरा टूट जा रहा है, बट ऐसा नहीं है गाइस, इट्स रियली वर्किंग ट्रिक। तो आप भी इस ट्रिक, सॉरी माय मेरी जबान लड़खड़ा गई, ओके सॉरी गाइस, आप भी इस ट्रिक को ट्राई करिए। एंड अगर इट्स रियली वर्क तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। एंड ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा इसी चैनल पे, हमारे चैनल एंग्रोटिक।